गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास हम चैप्टर नाइन यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द रॉक पार्टिकल्स इट कंटेन्स सॉइल को हम किस टाइप से क्लासिफाइड करते हैं रॉक पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग uh, हम उसको क्लासीफाई करते हैं ये तीन तरह की होती है सॉइल सैंडी सॉइल क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल फर्स्ट इज सेंडी सॉइल सेंडी सॉइल कंटेन अमाउंट ऑफ सैंड सेवन टू टू एसेंट इसमें सैंड होती है सेंडी सॉइल में एंड वेरी स्मॉल ऑफ सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स और कुछ आ, उसमें पार्ट में ये होती है कुछ अमाउंट में सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स होते हैं द फीचर ऑफ दिस सॉयल आर इसके फीचर्स क्या है सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज सैंड और अपने क्ले दो चीजें अलग अलग होती है सैंड मीन्स रेत और क्ले मीन्स मिट्टी आप लोग आपने अगर उसको टच करके देखा हो तो सैंड के पार्टिकल्स क्ले पार्टिकल्स से बड़े होते हैं दे कैन नॉट फिट क्लोजली टूगेदर सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होने की वजह से वो आपस में बीच में उनके ज्यादा स्पेस होती है दी स्पेसिस आर फिल्ड विद एयर और इन स्पेसेस में क्या होता है जो भी खाली जगह होती है वहां एयर होती है वी कैन से दैट सैंडी सॉइल इज वेल एरेटेड स्पेस होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि सेंडी सॉइल वेल एरेटेड होती है एरेटेड का मतलब उसमें एयर काफी होती है सेकेंड सेंड पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम दिस मेक्स सैंडी सॉइल वेरी पोरस वॉटर मूव्स रेपिडली थ्रू इट एंड ड्राइज क्विकली इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर सैंडी पार्टिकल्स बड़े होने की वजह से इसके बीच में स्पेस होती है ये पोरस होते हैं पोरस का मतलब इसमें आसानी से अगर आप रेत के अंदर हाथ डालते हो तो बहुत इजिली हाथ चला जाता है उसमें आप ये नहीं होता है गर्म होती है लेकिन उसके अंदर हाथ ईजिली अंदर चला जाता है कोई टफ नहीं होता उसमें हाथ डालना वॉटर मूव रेपिडली और वॉटर उसके अंदर अगर हम सैंड में पानी डालेंगे तो वो एकदम से सैंड उसको पानी को होल्ड नहीं करती है और सारा पानी नीचे चला जाएगा और वहां पर वो थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के बाद वो फिर ड्राई दिखाई देगी आपको सैंडी सॉइल इज लाइट इट हैज अ टेंडेंसी टू बी ब्लोन अवे बाय द विंड इफ लेफ्ट बेयर अगर सैंडी सेंड, सॉइल जो होती है वो बहुत आ, लाइट वेट होती है और इसी वजह से अगर हवा चलती है तो सैंड जो है वो उड़ना ईजी होता है और वो उड़ जाती है हवा में हवा के साथ उड़ जाती है सेंडी सॉइल लेक्स ह्यूमस सो इट इज फर्टाइल जो सेंडी सॉइल है उसमें ह्यूमस जो होती है वो थोड़ी कम होती है और इसलिए ये फर्टाइल नहीं होती इट इज लेस फर्टाइल कम फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं होती सेंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वॉटर हैज लेस ह्यूमस एंड प्यूर सॉइल ऑर्गेनिज्मी सॉइल में पानी नहीं होल्ड होता पानी नहीं रुकता उसमें ह्यूमस भी बहुत कम होती है और उसमें सॉयल ऑर्गेनिज्म भी बहुत कम होते हैं हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इस वजह से वो क्या है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सुटेबल नहीं है सेंडी सॉइल इज नॉट स्टिकी सैंडी सॉइल स्टिकी भी नहीं होती है ड्राई होती है सैंडी सॉइल इज यूजली फाउंड इन डेजर्ट ऑब्वियसली सैंड जो है हमें डेजर्ट में ज्यादा मिलती है तो ज्यादातर सैंडी सॉइल हमें डेजर्ट में ही मिलती है सेकेंड इज क्ले सॉइल क्ले सॉइल कंटेन्स मेनली क्ले इट हेज वेरी लिटल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट क्ले सॉइल जो होती है वो मेनली क्ले होती है मतलब मिट्टी होती है और उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में सैंड और सिल्ट होती है इट कंटेन्स स्व ह्यूमस द फ्यूचर ऑफ सॉइल आर इसमें ह्यूमस भी होती है और ह्यूमस आपको पता है फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल दे पैक टाइटली टूगेदर एंड लीव लेस लिटिल स्पेस फॉर एयर सो क्ले सोयल हैिटिल एयर क्ले सोयल पार्टिकल्स क्या होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं और ये आपस में ज्यादा टाइटली पैक होते हैं मिट्टी जो होती है आप मिट्टी में अगर हाथ डालोगे तो मिट्टी में क्या होता है आप मिट्टी के अंदर थोड़ा सा उसको आप फिंगर से या किसी चीज से आपको डिग करना पड़ेगा आप इजिली मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि वो टाइटली एक दूसरे के साथ उसके पार्टिकल्स पैक होते हैं और टाइटली पैक होने की वजह से इसके अंदर कम क्वांटिटी में एयर होती है क्ले सॉइल हैज वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड क्ले पार्टिकल्स दैट मेक्स इट लेस पोरस टाइटली पैक होने की वजह से क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए टाइटली पैक होने की वजह से ये पोरस नहीं होती है पोरस का मतलब इसके अंदर आप जल्दी से कोई चीज इसमें नहीं होल्ड uh, कर सकते सो इट हैज अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और लिटिल पार्टिकल्स होने की वजह से इसके अंदर क्या है अगर हम कुछ भी पानी डालेंगे तो वो अपने अंदर होल्ड कर लेगा क्ले सॉयल गेट्स वाटर लॉग इजिली ड्यूरिंग द रेनी सीजन और क्ले सॉइल जो है वो रेनी सीजन में पानी को रोकने के लिए बहुत हेल्प करता है नेक्स्ट इज क्ले सॉयल टर्नस वेरी हार्ड ऑन ड्राइंग और जब क्ले सॉइल उसको पानी की कमी होती है और उसमें पानी नहीं होता या तो वो बहुत हार्ड हो जाती है क्ले सॉइल इज हैवी बिकॉज इट कैन होल्ड मोर वॉटर देन द सेंडी सॉइल क्ले सॉइल सेंडी सॉइल से हैवी होती है क्योंकि ये अपने अंदर वॉटर होल्ड करके रखती है वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें ज्यादा होती है क्ले सॉइल इज वेरी स्टिकी वेन वेट और जब क्ले सॉइल गीली होती है तो बहुत चिपचिपी होती है स्टिकी होती है जबकि सैंडी सॉइल स्टिकी नहीं होती थर्ड वन इज लोमी सॉइल लोमी सॉइल कंटेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले इट ऑल्सो कंटेन्स सिल्ट लोमी सॉइल में इक्वल अमाउंट में सैंड पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल्स और इक्वल uh, अमाउंट में स्मॉल फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्ले बोलते हैं ये मोस्टली कलर में डार्क होती है डार्क ब्राउन एंड appears स्लाइटली कोर्स कोर्स का मतलब क्या होता है खुरदरी सा जैसा खुरदारपन होता है ना तो चिपचिपी होती है और ना बिल्कुल सैंड की तरह ड्राई होती है लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन इसीलिए हम लोमी सॉइल को बेस्ट कहते हैं क्रॉप कल्टिवेशन uh, के लिए फर्स्ट इसका रीजन uh, है लोमी सॉइल हैज राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले लोमी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत राइट right क्वांटिटी में होती है क्योंकि इसमें क्ले होती है नेक्स्ट Soil has adequate एयर spaces बिटवीन इट्स पार्टिकल टू होल्ड sufficient एयर नीडेड बाय roots ऑफ plants ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंड और इसी वजह से इसमें सैंड की इक्वल क्वांटिटी होने की वजह से इसमें एयर भी सफिशियंट क्वांटिटी में होती है और एयर जो है वो उसकी रूट्स तक जा सकती है प्लांट की रूट तक पहुंच जाती है लोमी सॉइल कंटेन्स सफिशियंट अमाउंट ऑफ ह्यूम टू प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिय फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स लोमी सॉइल के अंदर सफिशियंट अमाउंट में ह्यूमस होता है जो कि प्लांट के ग्रो करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए ह्यूमस सबसे ज्यादा जरूरी है नेक्स्ट इज लोमी सॉइल कैन बी प्लोड इजीली इन द क्रॉप फील्ड और लोमी सॉइल को उसको प्लो करना या उसमें हल चलाना क्रॉप्स डालने के लिए बहुत ईजी होता है नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल यहां पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी सॉइल स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट डिटरमाइंस द डिफरेंट सॉयल टाइप्स यहां पर हम पढ़ेंगे सॉइल कंटेन्स वॉटर सॉयल में पानी होता है ये हम यहां पर अगर आप देखिए कि यहां एक एक्टिविटी है टू शो दैट सॉइल कंटेन्स वॉटर फॉर मॉइस्चर और मॉइस्चर कि uh, पानी जो है वो सॉयल में है या नहीं है इसको देखने के लिए अगर हम अपने गार्डन से मिट्टी लेकर के उसको एक पॉट में डाल करके और गर्म करें तो गर्म करने पर क्या होगा गर्म करने पर क्या चीज होगा कि सारे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उस ग्लास में या उस बर्तन में आसपास जमा होने शुरू हो जाएंगे जब भी हम सॉइल को हीट करेंगे तो इसका मतलब क्या है जब हम सॉइल को हीट कर रहे हैं और हमारे उस बर्तन में आसपास पानी के ड्रॉप्स आ गई हैं इसका मतलब ये है कि उस पानी सॉइल के अंदर इव, पानी था और पानी इवेपोरेट होकर के और उस बर्तन के ऊपर रखे हुए किसी ढक्कन पर या उसके बर्तन के आसपास सारे बर्तन के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा तो इस एक्सपेरिमेंट का कोई ये शो करता है कि सॉयल में वाटर होता है या सॉयल में मॉइस्चर होता है